हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जीके क्वेश्चंस एंड आंसर्स आज का हमारा पहला सवाल ये है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 आर्टिकल 32 आर्टिकल 21 राइट आंसर इज आर्टिकल 14. नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर लॉ मिनिस्टर सटीक उत्तर यह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगला सवाल हमारा यह है अगला प्रश्न हमारा यह है विच कोर्ट इज द हाइस्ट जुडिशियल ऑथोरिटी इन इंडिया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोक अदालत Right answer is Supreme Court. Next question is What is the age of retirement for judges of the Supreme Court? 60 years, 62 years, 65 years, 70 years. Answer is 65 years. Next question What is the minimum voting age in India? भारत में मिनिमम वोटिंग एज कितना है 18 इयर्स 18 साल 21 वन ईयर्स इक्कीस साल 25 फाइव ईयर्स पच्चीस साल या फिर 30 इयर्स यानी कि 30 साल हमारा उत्तर है 18 इयर्स यानी कि 18 साल अगला प्रश्न ये है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर कॉमिटिंग मर्डर अंडर द इंडियन पेनल कोड लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैपिटल पनिशमेंट फाइन इम्प्रिजनमेंट अप टू टेन ईयर्स Right answer is life imprisonment. What is the minimum punishment for dowry death in India? Imprisonment for 3 years, imprisonment for 5 years, imprisonment for 7 years, ya fir imprisonment for 10 years. The right answer is imprisonment for 7 years. Next question. Ye hai. Which act provides protection to women against domestic violence Dowry Prohibition Act Indian Penal Code Hindu Marriage Act Protection of Women from Domestic Violence Act राइट आंसर ये है प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स रिप्रिब्स एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगला सवाल यह है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आंसर इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट अगला सवाल यहाँ पर यह है विच एक्ट

Registration and regulation of trademarks in India. Copyright Act, Patents Act, Designs Act, Trademarks Act. The right answer is Trademarks Act. Next question Which Act provides for the protection and conservation of the environment in India? Environment Protection Act, Forest Protection Act, Wildlife Protection Act, Air Act. The right answer is Environment Protection Act. Here is the next question Which Act provides for the protection of whistleblowers in India? Right to Information Act, Public Interest Disclosure and Protection of Informers Act, Prevention of Corruption Act, Whistleblower Protection Act. The right answer is Whistleblower Protection Act. आज का हमारा अंतिम प्रश्न ये है विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट इन इंडिया इंडियन पैनल कोड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंपटीशन एक्ट एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट द राइट आंसर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में थैंक यू सो मच